नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल गुरु पंजोलिया जी में। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर लैग करता है, लीड करता है सर्किट में, या यूनिटी पर रहता है, क्यों रहता है, कैसे होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और इसे सुधारा कैसे जाता है, ये बिगड़ता कैसे है, इस सभी चीज़ों को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के द्वारा हम दो तीन एग्जाम्पलों के द्वारा इसको समझेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि ये दोनों तीनों एग्जाम्पलें जो हैं एक दूसरे की पूरक हैं और आपको पावर फैक्टर को बहुत ही अच्छी तरह समझाने में कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड क्या है। तो इलेक्ट्रिकल लोड जो है तीन प्रकार का होता है। एक रजिस्टिव लोड होता है, दूसरा इंडक्टिव लोड होता है और तीसरा दोस्तों कैपेसिटिव लोड होता है। ये तीन प्रकार के लोड होते हैं। इन लोड को आगे हम बहुत ही गहनता से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम तीन और फैक्टर हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उनको स्टडी करते हैं जिनका आपस में चोली दामन का साथ है। तो वो तीन फैक्टर हैं, एक फ्रीक्वेंसी, दूसरा वोल्टेज और तीसरा करंट। ये तीनों फैक्टर हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है? सबसे पहले दोस्तों जो वोल्ट सप्लाई है हमारी विद्युत है दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी अल्टरनेटिंग एसी और दूसरी होती है डीसी। अब जो डीसी सप्लाई होती है सबसे पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं डीसी सप्लाई का ग्राफ कैसे बनता है। डीसी सप्लाई का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट होता है, अर्थात यह एक बार जीरो से शुरू होता है लेकिन फिर वापस जीरो पर नहीं आता है, बिल्कुल स्ट्रेट चलता है। अगर वेरिएबल होगा भी तो वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही रहेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में बिल्कुल नहीं जाएगा, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है अब इसको हम समझते हैं। अल्टरनेटिंग सर्किट में क्या होता है? जो एसी सर्किट होता है, एसी सर्किट में क्या होता है, हमारे भारत में जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और कई देशों में फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। ये 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज क्या होते हैं इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अर्थात ये 50 हर्ट्ज ये है कि ये 50 हर्ट्ज एक सेकंड में 50 साइकिल पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ के लगाते हैं। ये कैसे मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ये जीरो पॉइंट है, यहाँ पर ग्राफ का जीरो पॉइंट है, वेव फॉर्म है, तो ये पॉजिटिव हाफ है। ये यहाँ जीरो से शुरू हुआ, 90 डिग्री तक पहुँचा, ये 45 डिग्री, ये हम और ये फिर से जीरो पर पहुंच गया। उसके पश्चात अगला सर्कल जो है ये नेगेटिव हाफ है, ये भी वैसे ही 45 डिग्री, 90 डिग्री, फिर दोबारा जीरो पर। यहाँ से यहाँ तक ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो एक सेकंड में ऐसे ऐसे 50 साइकिल लगते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज होती है पॉजिटिव और नेगेटिव के। और जहाँ 60 हर्ट्ज होते हैं वहाँ एक सेकंड में 60 साइकिल ऐसे ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव एक साइकिल हुआ। इस प्रकार ये यहाँ पर ये दो साइकिल हुए हमारे। इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। एक लैंप है, एक लैंप यहाँ पर एक सेकंड में 50 बार जलेगा बुझेगा, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में जैसे जाता जाएगा तो पॉजिटिव में जलेगा, नेगेटिव में बुझेगा, फिर पॉजिटिव में जलेगा, फिर नेगेटिव में बुझेगा। तो ये इसकी एक और एग्जांपल है दोस्तों। आगे चलते हैं। वोल्टेज और करंट जो है वो क्या चीज़ है? एक सर्किट जो होता है हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कंडक्टर ले लेते हैं, एक कंडक्टर या कोई तार ले लेते हैं। इस तार में से वोल्टेज गुजर रही है, वोल्टेज है UV, तो करंट भी इसी में से गुजर रहा होगा क्योंकि वोल्टेज और करंट एक समान ही एक ही कंडक्टर में से गुजरते हैं, तो करंट I भी इसी में से गुजर रहा होगा। तो वेव फॉर्म, जैसे फ्रीक्वेंसी की वेव फॉर्म हमने देखी, उस वेव फॉर्म को एक बार फिर से स्टडी करते हैं। ये जो वेव फॉर्म है फ्रीक्वेंसी की वेव फॉर्म के साथ साथ ही वोल्टेज और करंट भी चलता है। तो वोल्टेज जो है जो वेव फॉर्म है इसमें करंट और वोल्टेज साथ साथ चलते हैं। यहाँ से यदि वोल्टेज चल रही है तो यहाँ से करंट भी चल रहा है। जीरो से शुरू हुआ, फिर यहाँ जीरो पर पहुँचा, फिर आगे यहाँ जीरो पर एक साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर आगे जाके यहाँ पर दो साइकिल कंप्लीट हुए। अर्थात यहाँ पर वोल्टेज और करंट साथ साथ चल रहे हैं। इसे मान लो अलग अलग करने के लिए एक हम साइकिल अलग बना लेते हैं, ये करंट
यहाँ पर देखिए जीरो से शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है करंट, और यहां पर आके फिर जीरो पर खत्म हो रहा है। लेकिन वोल्टेज भी उसी पॉइंट पर है, अर्थात इनका शून्य पॉइंट जो है, जीरो पॉइंट जो है वोल्टेज और करंट का बिल्कुल समान है, आगे पीछे नहीं है। अर्थात जब वोल्टेज का शून्य पॉइंट और करंट का शून्य पॉइंट एक समान हो, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी शून्य पॉइंट बिल्कुल समान है, एक समान हो, तो यहाँ पर पावर फैक्टर को यूनिटी माना जाता है। कैसे? क्योंकि पावर फैक्टर क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच में जो डिफरेंस का एंगल आता है, यहाँ वोल्टेज भी यही है और करंट भी यही है, अर्थात कोस फाई, पावर फैक्टर को कोस फाई से पढ़ते हैं, तो कोस फाई जीरो डिग्री हुआ तो कोस फाई जीरो डिग्री की वैल्यू वन होती है। अतः यहाँ पर पावर फैक्टर जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, और पावर फैक्टर वन है, अर्थात वोल्टेज और करंट बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, इसे बिल्कुल सही पावर फैक्टर कहते हैं। अब यहाँ पर जो तीन लोड मैंने आपको बताए थे, इन तीनों लोडों के बारे में स्टडी करते हैं। रेजिस्टिव लोड क्या होता है? रेजिस्टिव लोड को दोस्तों यहाँ इस साइन से लिखा जाता है, बनाया जाता है, और आर से रेजिस्टेंस, आर से लिखा जाता है, और ओम्स इसकी यूनिट है। इसकी एग्जांपल है कि जब किसी सर्किट में रेजिस्टिव लोड को लगाया जाता है तो वह लाल हो जाता है या लाल होकर चमकने लगता है, उस प्रकार के लोड को रेजिस्टिव कहते हैं। एग्जांपल है जैसे आपका घर का बल्ब, हीटर, हीटर की कॉइल जो है वो रेजिस्टिव लोड होते हैं। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, यहाँ पर देखते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने यहाँ पर रेजिस्टिव लोड लगा दिया तो उस समय हमारी वेव फॉर्म की शक्ल क्या होगी? जो वेव फॉर्म है हमारी कुछ इस प्रकार से होगी, अर्थात वेव फॉर्म में वोल्टेज जीरो से शुरू हो रही है और करंट भी जीरो से शुरू हो रहा है, लेकिन आगे जाके सर्किट जब कंप्लीट होता है, एक साइकिल कंप्लीट होता है, वहाँ भी वोल्टेज और करंट का शून्य पॉइंट जो है बिल्कुल समान है, अर्थात इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर कोस फाई जीरो डिग्री अर्थात वन, अर्थात ये जो रेजिस्टिव लोड होते हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, बिल्कुल पावर फैक्टर बहुत एक्यूरेट होता है, बहुत सही काम करते हैं, ये रेजिस्टिव लोड है। दूसरा, अब हम कैपेसिटिव इंडक्टिव लोड की तरफ चलते हैं। इंडक्टिव लोड क्या है? इंडक्टिव लोड को कुछ इस प्रकार बनाया जाता है, इसका सिंबल इस प्रकार है और एल से लिखा जाता है इसको, और इसको जो इसकी यूनिट है वो हेनरी है, हेनरी के साथ मापा जाता है। और इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल बताता हूँ। जब एक कंडक्टर को जिसकी कॉइल बनी हुई है, यहाँ देखिए कंडक्टर है, कंडक्टर की कॉइल बनी है और किसी चीज़ से चिपका हुआ है। इसकी एक और एग्जांपल भी है, जैसे मोटर, मोटर में कॉइल बनी हुई है, कॉइल के बीच में और इसके बीच में रोटर घूम रहा है, तो ये इसके इंडक्टिव लोड के एग्जांपल हैं। जब एक इंडक्टिव लोड को हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जोड़ते हैं, लीजिए यहाँ पर हम इंडक्टिव लोड जोड़ देते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ, तो उसकी वेवफॉर्म कैसी बनेगी? उसकी वेवफॉर्म की शक्ल कुछ इस प्रकार हो जाएगी। क्या होगा कि यहाँ पर वोल्टेज इस पॉइंट पर है तो करंट का शून्य पॉइंट दूर हो गया, करंट का शून्य पॉइंट आगे खिसक गया। जब वोल्टेज से करंट दूर आगे को चला जाए तो वहाँ पर कहते हैं कि करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज से करंट अगर आगे को चला जाए तो पावर फैक्टर लैग करता है। और यहाँ पर देखिए एक साइकिल कंप्लीट होने के पश्चात यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल है ये मान लो 45 डिग्री पहुंचा, यहाँ पर आके 90 डिग्री पहुंच गया, ये अगर यहाँ जीरो है, ये 45 हो गया, ये 90 डिग्री, यहाँ पर ये 45 डिग्री तक पहुंच गया। अब कोस फाई अगर 45 डिग्री हो तो उसकी वैल्यू 0.7 होती है, अर्थात एक से कम, अर्थात पावर फैक्टर एक से कम हो गया और 0.7 हो गया। अब यहां पर मान लो एक इंडक्टिव लोड और लगा देते हैं तो ये पावर फैक्टर और आगे बढ़ जाएगा और ये जो करंट है, करंट और आगे खिसक जाएगा। जब ये करंट और आगे खिसक गया तो देखिए यहां पर
90 डिग्री के पास पहुंच गया, अर्थात इस एंगल और इस वोल्टेज का जीरो पॉइंट और करंट का जीरो पॉइंट जो है इस दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है जीरो, अर्थात जो एफिशिएंसी है काम करने की वोल्टेज किसी मशीनरी की वो बिल्कुल जीरो हो गई, वो बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं करेगी क्योंकि पावर फैक्टर जीरो हो गया वहाँ पर। पावर फैक्टर जितना कम होगा अर्थात करंट का जीरो पॉइंट और वोल्टेज का जीरो पॉइंट आपस में जितना आपने नज़दीक होगा, जितना पास होगा, उतना ही पावर फैक्टर कम होगा और उतनी ही एफिशिएंसी अधिक होगी। ये था हमारा इंडक्टिव लोड। अब कैपेसिटिव लोड क्या होता है? कैपेसिटिव लोड को इस प्रकार लिखा जाता है, कैपेसिटर है ये, कैपेसिटर का साइन है और सी से लिखा जाता है और इसे फैराडे से यूनिट को स्टडी किया जाता है। इसका एग्जांपल है जैसे कैपेसिटर हैं, इन कैपेसिटर को लोड में लगाया जाता है पैरेलल में। तो एक सर्किट में हम कैपेसिटर को लगाते हैं, तो एक कैपेसिटर में लगा देते हैं, यह कैपेसिटर हमने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगा दिया। तो आप देखिए इसकी वेव फॉर्म का क्या बनेगा। इसकी वेव फॉर्म कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, इसकी वेव फॉर्म कुछ इस प्रकार से हो गई है। यहाँ क्या हुआ कि वोल्टेज यहाँ पर है लेकिन करंट जो है करंट इससे भी पीछे चला गया, अर्थात करंट जब वोल्टेज से पहले आ जाए तो उसे कहते हैं लीड करना, करंट लीड कर रहा है अर्थात पावर फैक्टर लीड कर रहा है। पावर फैक्टर पहले आ गया, पावर फैक्टर लीड कर रहा है, तो कैपेसिटर क्या करता है कि पावर फैक्टर को करंट को वोल्टेज से लीड कराता है, करंट को वोल्टेज से पीछे की ओर धकेलता है। ये इसका प्लस पॉइंट है। इसको एक एग्जांपल और देता हूँ तीनों को स्टडी करने की और पावर फैक्टर को अच्छी तरह समझने की। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि हम सर्किट में किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैपेसिटर का प्रयोग क्यों करते हैं, तो यहाँ पर इसको समझने की भी कोशिश साथ साथ में करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर एक इंडक्टिव लोड को हमने जोड़ दिया तो यहाँ पर रिएक्टिव लोड को हमने जोड़ दिया, तो रिएक्टिव लोड को जैसे ही हमने यहाँ पर जोड़ा तो उसकी वेवफॉर्म देखिए बिल्कुल एक्यूरेट है और इसका पावर फैक्टर बिल्कुल एक्यूरेट है, यूनिटी है, वन है, क्योंकि जीरो पॉइंट करंट का जीरो पॉइंट वोल्टेज का, करंट और वोल्टेज का पॉइंट जो है बिल्कुल जीरो जीरो बराबर हैं, इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं है। तो कोस फाई जो है जीरो डिग्री होने के कारण वन है, यूनिटी है और पावर फैक्टर बिल्कुल सही है। उसी जगह हम इंडक्टिव लोड को अगर रेजिस्टेंस में जोड़ दें, किसी सर्किट में जोड़ देते हैं तो वेवफॉर्म कैसे बनेगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि वोल्टेज का जीरो पॉइंट यहाँ पर होगा तो करंट आगे को खिसक जाएगा, जब करंट आगे को हो जाता है वोल्टेज पीछे रह जाती है और करंट दूर चला जाता है, आगे को चला जाता है, तो इसे कहते हैं कि पावर फैक्टर लैग कर रहा है, यहाँ पर पावर फैक्टर लैग करने लग पड़ेगा, पीछे हो जाएगा, करंट जितना दूर होगा उतना ही पावर फैक्टर लैग करेगा और एक से कम होता जाएगा, तो यहाँ पर पावर फैक्टर जो है लैग करेगा। उसके पश्चात अगर हम कैपेसिटिव लोड लगा देते हैं किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो क्या होगा वेवफॉर्म का, तो वहां पर वोल्टेज अपने स्थान पर रहेगी लेकिन करंट पीछे चला जाएगा वोल्टेज से, अर्थात जब करंट वोल्टेज से पहले आ जाए तो उसे कहते हैं पावर फैक्टर जो है लीड कर रहा है, लीड करेगा यहां पर। तो इसे यहां पर जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है, इसे इस एग्जांपल से आगे समझते हैं। यहाँ पर जब हमने इंडक्टिव लोड लगाया तो वेवफॉर्म कुछ ऐसे बनी, इस प्रकार की वेवफॉर्म बनी, अर्थात वेवफॉर्म में वोल्टेज पहले आई और करंट जो है वो आगे चला गया, इन दोनों के बीच का एंगल आ गया। अब यहाँ पर अगर हम इस सर्किट के साथ कैपेसिटर को लगा देते हैं तो वेवफॉर्म किस प्रकार बनेगी, तो वेवफॉर्म इस प्रकार बनेगी जैसे पहले मैंने आपको समझाया कि कैपेसिटर जब लगाते हैं तो वो क्या करता है कि करंट को पीछे की तरफ धकेलता है, करंट को पीछे की तरफ धकेलता है। यहां पर देखिए वोल्टेज से करंट को पीछे की तरफ धकेला है इसने, यहां पर आ गया इसका ग्राफ। तो यहाँ पर क्या करेगा, इस कंडीशन में क्या करेगा, जब इस इंडक्टिव लोड के साथ कैपेसिटर लगा दिया तो वोल्टेज तो अपने स्थान पर जीरो पर रहेगी, ये देखिए यहाँ पर
है, लेकिन ये करंट के वेवफॉर्म को पीछे की तरफ धकेलेगा और ये यहां पर आ गई। कैपेसिटर ये काम करता है, और करंट और वोल्टेज के वेवफॉर्म में जितना कम डिफरेंस होगा, जितना कम एंगल बनेगा, तो उतना ही कम, देखिए यहां पर एंगल कम बन रहा है, यहां पर एंगल अधिक बन रहा है, तो जितना कम एंगल बनेगा पावर फैक्टर उतना ही मजबूत होगा, पावर फैक्टर उतना ही शुद्ध होगा, एक के करीब जाता जाएगा। तो अगर यहाँ पर एक कैपेसिटर हम और लगा देंगे तो ये पावर फैक्टर और नज़दीक जाएगा, ये वेवफॉर्म और नज़दीक जाएगी और ये पावर फैक्टर और बढ़िया और शुद्ध होगा। यही कारण है कि हम कैपेसिटर जो है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाते हैं। दोस्तों तीसरी एग्जांपल देता हूं, ये तीनों एग्जांपलों का चोली दामन का साथ है, बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक जूस लेते हैं, ऐसा जूस जिसे हम हिलाने से झाग बना सकते हैं, तो उस जूस को एक कांच के बीकर में, कांच के गिलास में डाल देते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से कांच के गिलास में डाल दिया, अब जब हम इस जूस को इसमें डाल रहे हैं तो ऊपर फोम बन गई है, झाग बन गई है। अब इसमें अगर और जूस डालेंगे तो ये झाग बाहर निकल जाएगी और जूस नहीं पड़ सकता इसमें। तो यहाँ पर इसको हमने जूस को रियल पावर के रूप में माना है, और यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ आपको मैं कि इस चीज़ को हम अपरेंट पावर कहते हैं। अपरेंट पावर मतलब कंप्लीट पावर, दोनों का टोटल, जूस प्लस झाग का टोटल जो है अपरेंट पावर, उसको केवीए से कहते हैं। ये जो प्रॉपर जूस है जो हमारे काम आएगी, जूस को ही पियेंगे तो हमें शक्ति आएगी। वैसे ही इलेक्ट्रिकल में है कि इतने इतने जूस वाले हिस्से में से ही हमारी मोटरें चलेंगी, हमें शक्ति मिलेगी। तो इसे हम रियल पावर कहते हैं, किलोवाट से इसको मापते हैं। और जो ये फोम वाला झाग वाला हिस्सा है जो हमारे यूजेबल नहीं है मोटरों में, तो उसे हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। रिएक्टिव पावर का मतलब है कि ये इसे KVAR से मापते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ पावर फैक्टर क्या है। पावर फैक्टर एक सूत्र है, एक फार्मूला है, जो कि आपके विद्युत तंत्र में आने वाली बिजली का प्रभावी ढंग से कितना उपयोग किया जा सकता है उसे बताता है। इसे हम कार्य शक्ति अर्थात रियल पावर से, ये यहाँ तक जो ये है, इसे रियल पावर से जानते हैं। ये रियल पावर और कुल शक्ति अपरेंट पावर, जाग प्लस जूस दोनों की, इन दोनों के अनुपात में जानते हैं, अर्थात पावर फैक्टर इज इक्वल टू रियल पावर ओब्लिक अपरेंट पावर। अपरेंट पावर अर्थात जूस प्लस जाग, इसकी जो रीडिंग है इससे हम पावर फैक्टर निकालते हैं। एग्जांपल है इसकी, यहाँ पर रियल पावर क्या है। रियल पावर वह शक्ति है जो वास्तव में उपकरण को शक्ति प्रदान करती है। ये जो चीज़ है वह वास्तव में उपकरण को शक्ति प्रदान करती है। इसे एक्चुअल पावर, एक्टिव पावर या वर्किंग पावर भी कहते हैं, और ये उत्पादक का कार्य करती है, यही हमें आउटपुट दिलाती है। अब रिएक्टिव पावर क्या है। रिएक्टिव पावर है KVAR, ये जो झाग का हिस्सा है ये है रिएक्टिव पावर हमारी। अब रिएक्टिव पावर क्या है, कुछ उपकरण जैसे ट्रांसफार्मर, मोटर, रिले इत्यादि द्वारा आवश्यक चुंबकीय शक्ति का उत्पादन होता है ताकि वास्तविक कार्य को किया जा सके। कुछ उपकरणों को संचालित करना आवश्यक है, लेकिन हम इसके उपयोग के लिए किसी प्रकार का परिणाम नहीं देखते हैं, हमें कोई आउटपुट नहीं मिलती है, कुछ निकलता नहीं है इसमें से, कोई मोटर चलती नहीं है इससे। और अपरेंट पावर क्या है, अपरेंट पावर को KVA से लिखते हैं, और ये क्या है, दोनों रियल पावर और रिएक्टिव पावर अर्थात जूस और फोम का वेक्टर सम है, वेक्टर योग है। इसे वास्तविक शक्ति के रूप में कहते हैं, लेकिन लोड के लिए वास्तविक शक्ति की प्रासंगिक मात्रा का उत्पादन करने के लिए ये आवश्यकता होती है। अब इसे एक चीज़ और से समझते हैं साथ में ही, जैसे ये झाग है, इस झाग में जैसे हम कुछ और डालेंगे तो यह नहीं चलेगा। तो एग्जांपल क्या है, पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर है रियल पावर अर्थात ये इतनी इतनी रियल पावर जो है, बटा अपरेंट पावर, ये टोटल अपरेंट पावर, जूस प्लस झाग। अब जितना झाग अधिक होगा, ये हिस्सा जितना अधिक होगा उतना ही हमारा पावर फैक्टर
गलत खराब होगा, गलत होगा, कम आएगा, एक से कम आएगा। और जैसे ही थोड़े समय के बाद ये झाग बैठ जाता है तो इसमें और जूस डालते हैं। जैसे ही और जूस डालेंगे तो इसका लेवल जूस का बढ़ता जाएगा, ये जूस का लेवल बढ़ता जाएगा, झाग कम होता जाएगा। तो जैसे ही जूस का लेवल यहाँ तक पहुँच जाता है रियल पावर का और झाग सिर्फ इतना रह जाता है, तो जितना झाग कम होता जाएगा तो यहाँ पर एपरेंट पावर क्या है, रियल पावर प्लस रिएक्टिव पावर अर्थात जूस प्लस फोम। तो जितने जूस अधिक होगा, हमें यही कार्य करता है, इससे ही मोटरें चलती हैं, यही आउटपुट देता है, यही उत्पादित शक्ति देता है। तो जितना ज़्यादा ये अधिक होगा तो उतना ही पावर फैक्टर एक के करीब जाता जाएगा और पावर फैक्टर बढ़ता जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी एग्जांपल थी दोस्तों, ये था पावर फैक्टर। तो यदि इस पावर फैक्टर में किसी प्रकार के आपको क्वेश्चन हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लाइक जरूर करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल तक नहीं पहुँच सके हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।